हेलो फ्रेंड्स, सीजी प्लम्बर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप देख पा रहे हैं एक कनेक्शन पाइप यहाँ पर लगा हुआ था दोस्तों, जिसका कि नट टूट चुका है। यहाँ पे दोस्तों रिवेट होता है, रिवेट से टूट चुका है, जो कि मैं आपको ऊपर दिखाता हूँ दोस्तों, वॉश बेसन में। ये देखिए दोस्तों, टूटा हुआ है। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, उसके बाद नया फिट करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, मैं 24 इंच का नया कनेक्शन पाइप ला चुका हूँ, जो कि मुझे मार्केट से 100 रुपये का मिला है, और इसमें कंसेशन नहीं दिया है दुकान की तरफ से। और इसमें दोस्तों ये अपना फिट पाना लगेगा 23 नंबर का, और बहुत ही आसानी से दोस्तों ये नट जो है खुल जाएगा। मैं आपको नट को पहले खोल के दिखाता हूँ फ्रेंड्स, आपको बहुत ही अच्छा आसानी से यूज़ कर लेना है। पहले इस नल को बंद कर लेना है दोस्तों, नल तो बंद है। उसके बाद बहुत ही धीरे से इसको इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज बहुत अच्छे से ओपन हो जाएगा दोस्तों। इसको पहले आपको ओपन कर लेना है। अब जा ही नहीं रहा तो मैं उसको क्या बोलूँ। ठीक हाँ, है इसको भाई, बना देता हूँ दोस्तों। इस नट में बहुत ही ज़्यादा जंग लगा हुआ है, लेकिन हम लोगों ने इसे छोटी हथौड़ी की मदद से चोट मारते हुए और वाटर पंप प्लायर की मदद से फ्रेंड इसको मैं खोल रहा हूँ, जो कि बहुत आसानी से खुल जाएगा। क्योंकि दोस्तों कनेक्शन पाइप में आजकल लोहे का नट जो है दे दिया जाता है, जो कि बहुत ही प्रॉब्लम वाली बात है। पहले जब हम लोग काम करते थे, काम सीखते थे, उस वक्त पे ब्रास का नट दिया जाता था, जिसमें दिक्कत नहीं होती थी। देखिए दोस्तों कितनी बुरी तरह जंग लगा है। मैं इसे सूखे कपड़े की मदद से यहाँ पोंछ लेता हूँ। उसके बाद कनेक्शन पाइप को दोनों मुंह पे, जो कि ये पिलर कॉक का स्टार्टिंग है और ये एंगल वॉल का स्टार्टिंग है, इस पर मैं टाइट कर लेता हूँ। आपको सबसे पहले कनेक्शन पाइप का साइज़ जो भी लगेगा वो साइज़ लेके आ जाना है। उसके बाद दोनों में आपको वॉशर को प्रॉपर चेक कर लेना है, उसके बाद ही आपको फिट करना है। और सबसे पहले नट को पिलर कॉक के नीचे सबसे पहले आपको फिट कर लेना है। वाटर पंप प्लायर की मदद से मैं इस नट को बहुत ही अच्छे से टाइट कर चुका हूँ। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये नट मैं दिखा रहा हूँ आपको, जो पिलर कॉक में लगा हुआ है। उसके बाद इस नट को मैं एंगल वॉल में भी टाइट कर चुका हूँ बहुत बढ़िया से, और लीकेज वगैरह नहीं है। मैं यहाँ पे चेक कर चुका हूँ सूखे कपड़े की मदद से। आपको एक सूखा कपड़ा रखना है और पूरे पाइप को इस तरह से पोंछ के चेक कर लेना है, कहीं भी फ्रेंड्स लीकेज नहीं है इसमें। अभी मैं इसका आपको प्रेशर दिखा देता हूँ नल का। ये देखिए पिलर कॉक लगा है, जिसका भी हमने कनेक्शन पाइप टाइट किया है। ये देखिए प्रेशर बहुत बढ़िया है। ये ग्राउंड फ्लोर का मकान है और ये 4 मंजिल का मकान है। इस तरह से दोस्तों कनेक्शन पाइप लगाने का वीडियो कंप्लीट हुआ। वीडियो अच्छी लगी हो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।